पर इसमें कोई शक नहीं कि उत्तराखंड हमारा, जिसमें 69% लोग गांव में रह रहे हैं, अभी भी अपने नेचर में रह रहे हैं, तो और उन्हीं का नेचर किन्हीं कारणों से बिगड़ता है, तो ये तो केवल हमारे लिए संकट नहीं है, पूरे देश के लिए संकट है। तो हिमालय तो पूरे देश के लिए ऑक्सीजन, पानी, ये सब सप्लाई कर रहा है, जी और हिमालय के लिए अगर आज भी ठोस नीति नहीं बनी है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत सारे आंदोलन हुए हमारे पहाड़ में जल जंगल जमीन को लेकर के, और लेकिन अगर उसको देखें आप तो वो नीतियों में जब उनका बदली हुआ तो वो सीधे सीधे पूंजी के हक में गया, और लोग जिस बात को कह रहे थे वो शामिल न होकर के आप कह सकते हैं कि इसका दोहन करने के लिए जो छूट दी गई वो ज़्यादा प्रकट हुई सामने। मतलब लोग जो है जो अपने छोटे छोटे काम करते थे उसके लिए जंगलों पे आधारित उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, हाँ जो जैव विविधता को बचाते भी थे और उसका उसके जरिए उनकी ज़िंदगी भी चल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अब उसको उनको तो जाने से रोक रहे हैं और हाँ कंपनियों की यहाँ पूरी छूट मिली हुई है। हाँ हर एक तरह का छूट है। अब लोग तो एक पेड़ अपनी गौशाला बनाने के लिए भी डरते हैं, भले ही वो जिस तरह से मैनेज कर रहे होंगे वो अलग बात है, पर कानून तो इतने सख्त हैं कि लोग डर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं उस काम को। तो जब वहाँ पे बसे आदमी के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे हक ही नहीं होगा तो फिर वो पालेंगे क्यों, ये भी एक प्रश्न है। और अभी तो मेरे ख्याल से जनपद चमोली के बहुत सारे गांवों में जो ज़मीन की स्थिति जो डामाडोल हो गई है, पहले तो पलायन हुआ, पलायन के बाद खेती छूटी, लेकिन जितने लोग कर रहे हैं, जब हम इसे जैविक प्रदेश कह रहे हैं या ऑर्गेनिक प्रदेश कह रहे हैं, तो ऐसी दशा में हमारा फोकस कृषि को लेकर के होना चाहिए था, जो है ही नहीं। कहाँ से बीज लेगा, कहाँ उनकी मंडी होगी, कहाँ फसल बिकेगी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही, लेकिन प्रैक्टिकली वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो मतलब पर्यावरण, क्योंकि अब उत्तराखंड जो हिमालयी प्रदेश है और हिमालयी प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा खतरे भी हैं हिमालय के, अगर उसका हनन होता है या उसके जो भी जिस प्रकार की हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, तो और यहाँ पर जो नदियाँ हैं, चाहे वो जो भी गंगा बनाती हैं, अलकनंदा हो, भागीरथी हो और छोटी मोटी कई नदियाँ हैं, मतलब उत्तराखंड तो नदी घाटियों की सभ्यता का प्रदेश है। आप भी, आपके बगल से अलकनंदा निकल रही हैं, तो नदियों का उत्तराखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से देखते हैं लोग? एक्चुअली नदियों के बिना या गाढ़ गदेरों और जो जो सारी धाराएं मिलकर के गंगा जी को बनाती हैं, केवल गंगा जी का ही बात नहीं है, उन सारी धाराओं के अस्तित्व का सवाल है, और वो उसकी हमारे कल्चर, हमारे आर्थिकी, हमारी आजीविका में बहुत बड़ा योगदान है। भले ही सारा पानी बह के नीचे चला जा रहा है और वो बहुत सारा पानी काम नहीं आ रहा है यहाँ के लोगों के, लेकिन जो उससे जुड़ी हुई स्ट्रीम्स हैं वो लोगों के खेतों को सिंचित करती है, पीने का पानी देती है, तो उसके जितने भी कैचमेंट एरिया है, एक्चुअली होना तो ये चाहिए था नीतियों में कि ये सारे कैचमेंट एरिया पर सरकार इन्वेस्ट करे, ध्यान दे, लोगों को उत्साहित करे उस काम को करने के लिए। अब आप ऋषिकेश या हरिद्वार में कह के कहेंगे कि गंगा जी को पवित्र होना है, जी और नीति का आदमी के लिए आप वो स्पेस नहीं रख रहे हैं, तो वो बिल्कुल नारा है फिर। हाँ, मतलब गंगा जी की पवित्रता के लिए जो है कंपनियों को ठेका देने का जो काम है, और जो उसको ऊपर साफ कर, ऊपर उसमें उसके नज़दीक रह के लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचाते उतना ही बजट में, तो हाँ शायद ज़्यादा लाभ होता। बिल्कुल, अगर यहीं से वो धाराएं सही रहती हैं तो उद्गम से ही, जी, तो मेरे ख्याल वहाँ उतना हल्ला करने की जरूरत हाँ, नहीं मतलब है। उद्गम स्थल में मतलब उतना पैसा आप जो है लोगों को लोगों को जो है नई चीज़ों को लाने के लिए कर सकते हैं ना, ताकि वो अपनी खेती पे दें, बिल्कुल अपने नए चीज़ें लगाएं, जैव विविधता बिल्कुल का सम्मान भी करें, जंगल लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल तो वो शायद नहीं हुआ। तो ये आंदोलन जो होने चाहिए थे उत्तराखंड के अंदर, जो अपनी संस्कृतियों की संस्कृति का हिस्सा भी है हमारी नदियां जो है यहाँ बिल्कुल पर, क्योंकि बिल्कुल आप कहीं भी जाएं तो लोग सुबह सुबह नदी में किनारे पे बैठना कितना एक सुकून देता है अपने को। तो ये जो उत्तराखंड में जो नदी बचाओ या जो उत्तराखंड के जो अस्मिता के सवाल हैं, खास करके जंगल, और क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि पहाड़ और नदियाँ नहीं है तो हमारी कोई पहचान नहीं है, तो वो आंदोलन यहाँ मजबूत क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि क्या ढीले पड़ चुके हैं या निराश हो चुके हैं? नहीं, उसके पीछे ये मेरे ख्याल से बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण ये मुख्य है कि जब
जल धाराओं पे, जंगल पे, पहाड़ पे, वहाँ पे रहने वाले आदमी की आजीविका निर्भर नहीं होगी, तो ये होना ही था। लोगों के लिए सीधे अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा है, या वो ये नहीं समझते हैं कि हाँ ये हमारा अपना है जिससे मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो ये होना, फिर तो आंदोलन भी ख़त्म हुए हैं। लोगों ने आंदोलन पर्यावरण बचाने के लिए किया और अब गौशाला के लिए दार काटना मुश्किल हो गया। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये रोक रही है लोगों को आवाज़ उठाने के लिए। मतलब जो पर्यावरण के जो नियम कानून हैं वो गरीब आदमी पे ज़्यादा लग रहे हैं, स्थानीय आदमी पे ज़्यादा लग रहे हैं, और बड़ी कंपनी अपने आराम से सब कुछ कर जा रही हैं राष्ट्र के हित के नाम पे। बिल्कुल, देखने में तो ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। एक्चुअली हमने अभी बहुत सारे लोगों से बात की तो कहते हैं मैं अपना दार बांसा नहीं ला पा रहे हैं, जंगल में डर लगता है कि कोई पेड़ ले लिया तो फॉरेस्टर या जो भी जंगल के हमारे अधिकारी हैं वो चले जाते हैं लोगों को, तो लोगों को बड़ा भय है कि वो अपनी आजीविका एक जंगल से ले सकता है। जिस क्षेत्र में आप हैं यहाँ पर तो काफ़ी अलग अलग किस्म की फसलें और जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या किस्म के यहाँ पर, जो क्योंकि गंगा के जो भी अलकनंदा या भागीरथी वैली में हमने देखा, हमने वहाँ पर कई प्रकार की राजमाएँ भट्ट, यहाँ पर किस किस प्रकार के वो हैं पदार्थ जो यहाँ पे बहुत, यहाँ पे जो थोड़ा यहाँ से ऊपर जा करके वहाँ पे बहुत सारी दालें, राजमा, ये सब होता है जो पूरा जैविक है, और आसपास आम, अमरूद, ये नींबू, माल्टा, हाँ माल्टा, चूली, आड़ू, अच्छा अखरोट, हाँ अखरोट, ये बहुत सारी है। लेकिन ये जो जैव विविधता थी यहाँ, इसको कुछ कुछ धक्के लगे हैं, जैसे कि चीड़ जो है बहुत तेजी से फैला। अच्छा, बार बार हमारी सरकारें कहती भी हैं इस बात को कि चीड़ को काटने या इसका नियोजन करने के लिए कुछ होना चाहिए कार्यक्रम, लेकिन आज लोग अपने खेत का अगर चीड़ काटते हैं तो कल के दिन वो फंसने तो चीड़ यहाँ पर ऐसा हो गया जैसे प्लेन्स में यूकेलिप्टस का था। अरे बेइंतहासा, और चीड़ और ये काला जो बांस है ना, इसका इतना जबरदस्त गठजोड़ हो गया। अच्छा, कि नीचे जो जैव विविधता थी, जो घास हम चारे के लिए लाना चाहते थे या वो हरियाली दिखती थी, वो इन दोनों ने मिलकर के तबाह कर दी। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्रकृति में जो हो रहा है वो सब ठीक है, लेकिन कोई प्रकृति में कोई चीज डोमिनेंट कर रही है और दूसरे को अवसर नहीं दे रही है, तो वो तो खतरनाक है। हाँ, उसको तो हमको तो उसमें देखना पड़ेगा ना, इंसान है, अपने यहाँ देखनी पड़ेगी चीजें क्या अच्छी हो सकती है। जो यहाँ के बुग्याल थे, जो यहाँ के चारागाह थे, उनकी क्या स्थिति है? देखिए जी, उनमें तो जो एक तो जो परंपरागत हकधारी थे वहाँ पे, जिनकी बकरियाँ जाती थी, घोड़े खच्चर जाते थे, उसमें गिरावट आई है, और शायद वो भी वन कानूनों की वजह से भी उसमें एक कारण रहा है। दूसरा, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो शायद उस वजह से भी लोग उसको नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति के साथ जब मनुष्य का तालमेल नहीं रहा, तो एक्चुअली उनका वहाँ भी बहुत सारी गड़बड़ें पैदा हो रही हैं, और केवल टूरिज्म के लिए अगर ये उपयोग हो रहा है, जहाँ फिर आप कूड़ा कचरा और ये सब पैदा कर रहे हैं, तो इन बातों से बुग्यालों में, ऊंचे माउंटेन में दिक्कतें पैदा हुई। मतलब टूरिस्ट आता है, खा पी के चला जाता है, तो रिजॉर्ट बन रहे हैं और सब चीज़। हाँ, तो मतलब टूरिज्म को ही सरकार ध्यान देना चाहती है, और जो असली बुग्याल के बुग्याल कैसे रहेंगे अगर उसमें बकरियाँ नहीं चरेंगी या गाय नहीं चरेंगी तो? हाँ। नहीं, ये ठीक है कि ठीक है हम टूरिज्म को यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सही तरीका क्या होगा? बिल्कुल, कैसे हम मेंटेन कर सकें उस पूरे बायोडायवर्सिटी को, वो पहले ध्यान में रखना होगा। और मतलब क्या बताएं, आने वालों में भी लोग सेंसिटिव भी इतने नहीं हुए अभी कि कहाँ हमको पॉलीथीन फेंकनी है, कहाँ कचरा फेंकना है, नहीं फेंकना है, वापस अपने साथ ले जाना, वो सेंसिटाइजेशन अभी भी बाकी है। क्या इसका कारण यह है कि उत्तराखंड में जो टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो पूरी तरह से धार्मिक टूरिज्म है, और शायद वो धर्म के नाम पे यहाँ आ रहे हैं और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करते, कैसा लगता है आपको? मेरे ख्याल से धर्म के नाम पे आ रहे हैं ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर आ करके और विधर्मी काम करना, तो वो भी तो गलत है ना। मतलब धर्म के नाम पे आके केवल वो पूजा तक सीमित है ना, वो जाके भाई बद्रीनाथ और केदारनाथ में टीका लगा दो, तिलक लगा दो, चढ़ा दो, पंडित जी को दे दो, लेकिन बाकी मतलब डब्बा यहाँ फेंक दो, कूड़ा वहाँ फेंक दो, गंगा में गंदगी कर दो, उस पर तो उनको लगता है कि भगवान की पूजा हो गई, बाकी कार्यक्रम हमको
हाँ बाकी पे ध्यान नहीं देना, बाकी नहीं ध्यान, तो ये तो क्या भी है। और दूसरा सरकार जो नीति बना रही टूरिज्म को लेकर के, भाई उसमें तो आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे वैसे, जिसमें जैव विविधता का ध्यान हो, कूड़े कचरे का ध्यान हो, धार्मिक टूरिज्म से हटके भी कुछ ऐसे इनोवेटिव चीज़ें हों जो सरकार कह तो रही कि वो कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है। क्या कहीं आपको ये लगता है कि जो पूरा सरकार या जो नीतियाँ हमारे बनाने वाले हैं उन नीतियों में बहुत बड़ी बड़ी बात होती है लेकिन उसमें जनता कहीं दिखाई नहीं देती, मतलब जनता के साथ बातचीत नहीं दिखाई देती? बिल्कुल, ये एक तरह का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कैसे लोगों को शामिल करें नीतियों में, कैसे उसको क्रियान्वित करें, इस जगह बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और मुझे लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि मनसा ही नहीं है लोगों को उस चीज़ में शामिल करने की। अगर मनसा होती तो शायद लोग शामिल होते, अपना समझते। मतलब लोगों से पूछा जाए कि भाई कौन सी आपके प्रोजेक्ट लगने चाहिए, किस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए, क्योंकि आप योजनाएं लाते हैं और फिर लोगों से जबरदस्ती हाँ करवाते हैं। बिल्कुल, अभी तो नहीं, यहाँ बहुत सारे आंदोलनों से ये बात उभर के आई थी कि भाई हायर हिमालय में आप बड़ी परियोजनाएं मत बनाइए। मेरे ख्याल से उनको क्या विकास विरोधी भी कहा। ठीक है, जानबूझ के किसी चीज़ का विरोध करना वो जी अलग बात है, लेकिन लोगों ने ये कहा था कि हायर हिमालय बहुत सेंसिटिव है, यहाँ बड़ी परियोजनाएं, और आपने देखा रैनी की घटना। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारे पास इतना, आप देखिए कि इतना अच्छा सिस्टम भी नहीं है अलार्मिंग का कि जो बता पाए। बिल्कुल सही बात, ऊपर दुर्घटना भी है और 5 किलोमीटर पे हम नहीं बता पाए। हाँ, अब 5 किलोमीटर में अगर 10 मिनट में पानी आता है, मतलब हम गाड़ी से चले हैं तो 15-20 मिनट लगा है। बिल्कुल, तो अगर आप 5 मिनट पहले भी अलार्म होता तो लोग अलर्ट हो जाते, बच जाते, तो कई जाने बच जाती। बिल्कुल, और फिर अगर हिमालय का इतना अच्छा अध्ययन साइंटिफिकली हमारे पास नहीं है तो फिर हम उसका मनचाहा दोहन नहीं कर सकते। अब इस बात के लिए कोई किसी को विकास द्रोही नहीं कह सकता, क्योंकि उस पर लोगों की आजीविका टिकी है, लोगों का जीवन है, आप लोगों का जीवन ऐसे तबाह हो। तो जो यहाँ पर आप भविष्य के लिए जैसे हम कहना चाहेंगे कि क्या आप कह सकते हैं, चाहे सामाजिक आंदोलनों के लिए हो, चाहे वो सरकार के लिए हो, राजनीतिक दलों के लिए, क्या क्या होना चाहिए? मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर हमारे पास जंगल है जो लोगों की आजीविका, लोगों की संस्कृति, लोगों के रहन सहन से बेहतर बन सकता है, तो जंगल पर लोगों के अधिकार और जंगल के बारे में नीति बहुत फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत। ऐसे ही पानी का है, अगर पानी हम पूरे देश के लिए दे रहे हैं और एक क्षेत्र के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पानी की संरक्षण संवर्धन की खास ज़रूरत है जो नीतियों में आना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब हम इस प्रदेश को जैविक खेती का नारा दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमें खेती के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनानी होंगी, क्योंकि है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो छोटी खेती है, छोटी जोत है, इसमें कैसे हम ऐसी फसलें तैयार करें जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी सही हों और पर्यावरण के प्रभावों को भी, जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हैं उसको सहन करें, और लोगों की आजीविका, ये तीनों उसमें। हाँ, मतलब किसी भी नीति में लोग ज़रूर होने चाहिए, मतलब लोग नहीं है तो नीति का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप बिना बिना एज इंडिविजुअल भी हो, अभी तो बहुत सारी स्कीमों में लोग कह रहे हैं ग्रुप और फिर समूह और ये सब, लेकिन एक व्यक्ति अगर काश्तकार है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए भी जरूर नीति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात जो मैं समझता हूँ कि हर साल जंगल बेतहाशा मात्रा में जल रहे, तो जंगलों को जलाने से बचाने के लिए जो आप कह रहे थे कि पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों की सहभागिता, उस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। और अंतिम बात यह है कि ये कूड़ा कचरा इतना ना आए पहाड़ पे जी, और अगर आ भी रहा तो उसका सही नियोजन हो, सही निस्तारण हो। ये कुछ मेरे ख्याल से जंगल की, जमीन की जिसमें हम कृषि कर रहे हैं, पानी और स्वच्छता, इन 4-5 चीज़ों पे खास नीतियाँ बने और ध्यान दिया जाए, और जिसमें आप जो कह रहे थे लोगों की 100% भागीदारी हो, तो ये एक अच्छा रास्ता बन सकता है आगे के लिए।